हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 7.8। फिर से वही प्रॉपर्टी लग गई P4। देखो, प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। मैं हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी बार बार आपको बताया जा रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि आपको रट जानी चाहिए प्रॉपर्टीज सारी की सारी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें अपने यहाँ पे बाय P4, ये मैं लेट करके लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन लेट करके आप फर्स्ट स्टेप डाल लेना, फिर बाय P4 लिख देना। अगर अपन इसको चेंज करेंगे तो 0 से 2 एक्स की जगह, ये 0 से 2 चल रहा है तो ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा ये, और ये रूट 2 माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स। आपको समझ में आया? बिल्कुल सर। 0 से 2, 2 माइनस एक्स, रूट 2 माइनस 2 प्लस एक्स, कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया एक्स डॉट डीएक्स। इस रूट के वैल्यू को मल्टीप्लाई करो तो ये 2 रूट एक्स हो जाएगा, और ये माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट एक्स। समझ में आया क्या भाई? बिल्कुल आ गया सर। अब ये 0 से 2, 2 रूट एक्स माइनस एक्स की पावर हाफ और 1 है, कितनी होती है, 3/2 होती है। अब मैं यहाँ पे दोनों को या तो सेपरेट करके यहाँ पे इंटीग्रेशन करो या फिर डायरेक्टली करो। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, 2x की पावर हाफ है, हाफ में प्लस 1 करेंगे तो 3/2। ठीक है सर, ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं, मैं एक साथ लिख रहा हूँ उस पूरी वैल्यू को ना। माइनस 3/2 में प्लस 1 करेंगे तो एक्स की पावर 5/2, 5/2 ब्रैकेट के बाहर 0 से 2। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया समझ। अब आपको करना कुछ नहीं है, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना है। उससे पहले सॉल्यूशन कर लो। इस 2 को अगर ऊपर भेजूंगा तो 4/3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4/3 एक्स की पावर 3/2 हो गया ये। ये ऊपर गया तो 2/5 एक्स की पावर 5/2 हो गया, 2 से 0। अब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा सकते हो। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है वैल्यू, ये आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगा दिया भाई, ब्रैकेट बना ला। 4/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5, 5/2, ठीक है, 2 से 0 पुट करो। 4/3, 2 की पावर 3/2 माइनस 2/5, 2 की पावर 5/2 पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 4/3, 0 की पावर 3/2 माइनस 2/5, 0 की पावर 5/2, ये पूरा तो 0 हो गया, इसको छोड़ो। इधर देखो, 2 की पावर 3/2 मतलब 2 की पावर 1 और √2, भाई हाफ और 1 से तो मिलके बना होगा ये। बिल्कुल सर। 2/5, 2 की पावर 5/2 मतलब 2 की पावर 1 तो 3/2 होगी भाई। 5/2 अपन ने कैसे बनाया था सर, 3/2 में +1 करके बनाया था। ठीक है, सेम बेस पे पावर एड होती है। और 3/2 का मतलब क्या होता है, 1 होता है और हाफ होता है, मतलब कि क्या क्या वैल्यू होगी। देखो, एक तो 2 की पावर 1 होगी, फिर एक √2 होगी और फिर एक 2 होगा, समझे। 4 2 8 √2/3 माइनस 2 2 4, 4 2 8/5 √2। ठीक है, अब आगे देखो, एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा ये, या कॉमन ले लो आप इसमें से, है ना। 8 √2 आ गया कि ऊपर, दोनों में सेम ही आ रहा, देखिए 8 √2 कॉमन निकाला तो 1/3 माइनस 1/5। सॉल्व करोगे, 3 ऊपर गया नीचे गया, 2/3 5 15, 8 2 16, √2/15 बच गया आपके पास। फाइनली हमने क्या देखा, इंटीग्रेट 0 से 2 एक्स √2 माइनस एक्स dx का आंसर क्या आ गया, 16/15 √2। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9।